चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के निर्देश हैं। राज्य चुनाव आयोग चुनाव करवाए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और दो हफ्ते में अधिसूचना जारी करने के निर्देश हैं। ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता। फिलहाल सिर्फ एससी एसटी आरक्षण ही रहेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश के लिए, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है ओबीसी आरक्षण को लेकर। चुनाव के लिए, पंचायत चुनाव के लिए एक बड़ा फैसला आया है। फिलहाल सिर्फ एससी एसटी आरक्षण ही रहेगा। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला आज दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। बिना ओबीसी आरक्षण के अब मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे, और निर्देश में यह भी कहा है कि राज्य चुनाव आयोग अब चुनाव करवाएं और दो हफ्ते के भीतर इसकी अधिसूचना जारी करें। और इस वक्त हमारे साथ विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय जुड़ चुके हैं। अनुराग, जिसका सभी को इंतजार था, फिलहाल वो फैसला आ चुका है। हालांकि किसके पक्ष में है विपक्ष में फैसला, इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या ये माना जाए साफ तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को एक झटका भी लगा है? देखिए, ये बहुत बड़ा झटका है। तमाम स्ट्रेटजी, तमाम दावे, तमाम आंकड़ों की पेशकश, बड़े बड़े मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन सब के बावजूद जिस तरह का ये फैसला आया, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राज्य सरकार के अनुकूल तो नहीं कहा जा सकता। पहले दावा किया गया 35% का 27% से बढ़ा दिया जाएगा, जनसंख्या के बारे में कहा गया 48% से ज़्यादा है, लेकिन इन आंकड़ों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस वर्डिक्ट को देखे तो दरकिनार किया है। अब साफ तौर पे जिस तरह का ये फैसला है, जिस तरह का अगर हम इस पूरी की पूरी तकनीकी भाषा को थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करें तो जो आंकड़े पेश किए गए हैं उनसे बेहतर तरीके से सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं है। और शायद यही कारण है कि अगर हम देखें तो अब भारतीय जनता पार्टी के रिएक्शंस भी लेने की कोशिश करेंगे। लोकेंद्र पाराशर जी जो हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं इस पूरे मुद्दे पर, जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी है। सर, जिस तरह का ये फैसला आया है, शुरुआती नज़रों में अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दो हफ्तों के भीतर चुनाव कराए जाने चाहिए बिना ओबीसी आरक्षण के, ये तमाम बातें कही गई है, किस तरह से देखते हैं और पार्टी के लिए कितना अनुकूल मानते हैं इसको? देखो, फैसला अभी बाहर नहीं आया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसका अध्ययन होगा, अध्ययन होने के बाद ही कोई टिप्पणी की जा सकती है। जो निर्देश हैं उनका पार्टी सरकार की तरफ से पालन होगा, और ये तो माना ही जा सकता है कि चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू की जाए? नहीं, सभी वर्गों को सभी के सभी अधिकार मिले इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, प्रयास कर रही है, लेकिन क्या फैसला आया है अभी उसकी जानकारी नहीं है। अभी आपके पास इसकी जानकारी नहीं आई है, तो लोकेंद्र पाराशर जी का कहना यह है कि फिलहाल इस निर्णय की जानकारी उनके पास में नहीं आई है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह की बात है, उससे शायद अभी तमाम नेता रिएक्शंस देने से बचेंगे भी। हालांकि ये जो बैठक हॉल है, इसके ठीक अंदर अगर मैं बताऊं तो तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी यहां पर है, और इन्हीं नेताओं के साथ में जो है वो कहीं ना कहीं जो है अभी प्रदेश के शीर्ष नेता तो चर्चा कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो ये अलग अलग कमरे हैं जो स्थानीय नेता हैं, जिनमें हम बात करें जिले के प्रतिनिधि भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम यहाँ पर मौजूद हैं, और ये बहुत स्पष्ट रूप से तस्वीर बताती है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंताएँ तो यहाँ पर बढ़ेंगी ही, क्योंकि ये जो फैसला है ये निश्चित रूप से हम बता सकते हैं कि ये परेशानियाँ बढ़ा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में खुद मध्य प्रदेश की सरकार ये कह रही थी कि एक बड़ा वोट बैंक बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं या बड़ी संख्या की जो आबादी है वो ओबीसी की है, लेकिन इन दावे प्रतिदावों के अनुकूल ये परिणाम नहीं आया है, ये निष्कर्ष नहीं आया है। तो बड़ी सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी का आगे रिएक्शन क्या होगा। ओबीसी मंत्री जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भाई और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जालम सिंह पटेल हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं हमारे साथ में। सर, एक बड़ा निर्णय आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बिना ओबीसी के जो है वो आरक्षण के चुनाव करवाने होंगे, और दूसरी बड़ी बात कही है कि दो हफ्ते के भीतर चुनाव कराए राज्य सरकार, किस तरह देखते हैं जब ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा? आप भी उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी सरकार निर्णय लेगी, सीएम साहब निर्णय लेंगे, और उसके बाद चर्चा होगी। अभी निर्णय आया उसकी जानकारी मुझे अभी है नहीं ज्यादा। अगर निर्णय की जानकारी आती है और निर्णय इसी तरीके का होता है तो क्या रिएक्शन होगा? ऐसा नहीं है, सरकार कुछ बात रखेगी अपनी। तो क्या ये थोड़ा सा चिंता बढ़ाने वाला लगता है सर आपको? हमारी सरकार तो ओबीसी का आरक्षण पहले से तैयार है, उसके लिए काम कर रही है, लेकिन फिलहाल ऐसा हुआ नहीं है सर। हो जाता है,
यहाँ पर देखें तमाम प्रतिक्रियाएं जिस तरीके की यहाँ पर आ रही हैं, ये चूंकि हम बात कर दें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जो ओबीसी वर्ग का बड़ा चेहरा है भाजपा के, उनके छोटे भाई और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जालम सिंह पटेल हैं, वो भी कहीं ना कहीं रिएक्शन देने से बचते नजर आए हैं। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी लुकेंद्र पराशर से हमारी बात हो रही थी, वो भी कहीं ना कहीं रिएक्शन देने से बचते नजर आ रहे थे। तो ये तस्वीर बहुत स्पष्ट रूप से बता रही है कि कहीं ना कहीं ये जो फैसला है फिलहाल चिंता बढ़ाने वाला है, लेकिन किस तरह से इसको हैंडल किया जाता है, क्या फिर से एक बार जो है रिवाइज पिटीशन आती है या किस तरह से आगे बढ़ना होगा, ये मुख्यमंत्री तय करेंगे शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा करके। लेकिन फिलहाल इस फैसले को लेकर कोई भी सीधे तौर पर रिएक्शन देने को तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के चेहरों की अगर हम बात करें तो। जी अनुराग, रिएक्शन देने को क्या इसलिए भी तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जिनसे आपने बात की, क्योंकि शायद उन्हें अभी इस फैसले की पूरी तौर पर जानकारी नहीं है, शायद इस फैसले को वो पूरी तरह से अभी नहीं समझ पाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ये भी कहा अपनी टिप्पणी में कि राज्य सरकार ये चाह रही थी कि ओबीसी आरक्षण से चुनाव हो, लेकिन फिलहाल खुद सरकार जो है 2 साल लेट हो चुकी है। और अनुराग, हमने देखा है कि पहले 2020 में जब कोरोना काल आया तब उस वजह से चुनाव टले, पिछले साल किसी और वजह से टले, कोरोना की बात बार बार कही जा रही थी, और ऐसे में यह हुआ अनुराग कि 23,200 सीटें जो खाली थी, 236 सीटें तो ऐसी थी जिस पर अभी तक कोई प्रतिनिधित्व करता ही नहीं है, वहां पर कोई प्रतिनिधि नहीं करता है। ऐसे में अब जब सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश आ गया है तो किस तरह की स्थितियां इन तमाम निकायों में बन सकती है और उस पर सरकार का अब आगे क्या स्टैंड हो सकता है? देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि ये बात बिल्कुल मानी भी जा सकती है, ये मानना पड़ेगा कि कोई भी नेता हो, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति हो, पहले वो फैसले को समझने की कोशिश करता है। तो एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि फैसले पे पहला रिएक्शन उस तरीके का नहीं आ रहा जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर हलचल बहुत अलग तरीके से। अनुराग, इस वक्त हम आपको रोकना चाहेंगे, आप जुड़े हैं हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस मीडिया सेल उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा निर्देश आज आ गया, एक बड़ा फैसला आ चुका है पंचायत चुनाव को लेकर, ओबीसी आरक्षण के आधार पर अब पंचायत चुनाव नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी किस तरह से इस पूरे फैसले को मान रही है, आपका क्या पूरा एक प्रतिक्रिया, हम आपसे चाहेंगे कि कांग्रेस इस फैसले को किस नजरिए से देख रही है? अभी मैंने फैसला पढ़ा नहीं है, लेकिन जो आप बता रहे हैं अगर फैसला वैसा ही है तो ये मध्य प्रदेश की जनता के साथ लगातार धोखा करने की जो चेष्टा भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, अंततः वो जनता को ठगने में सफल हो गई है। ओबीसी वर्ग के साथ उसने जितना नुकसान किया है, 14% का आरक्षण देने वाली कांग्रेस पार्टी थी जब महाजन आयोग बनाया था, और जो है 27% का आरक्षण देने वाली कांग्रेस पार्टी थी जब जो है कमलनाथ जी की सरकार थी, इन्होंने सारी चीज स्क्रैप करा दी। और जो है बातें बड़ी बड़ी और नौटंकी बड़ी बड़ी, आंख देखें कि जो है जनगणना के आंकड़े, विस्तृत आंकड़े महाजन आयोग के भी उपलब्ध हैं और जो है मनमोहन सिंह जी की सरकार के भी उपलब्ध हैं। इसके बाद जो है प्राधिकृत डाटा कोर्ट को देने की बजाय इनने नई जो है ये कहाँ से सूची बनाई है, इसका जवाब सरकार को बताना चाहिए और उसके आधार पर इन्होंने किस तरह से कोर्ट में रिप्रेजेंट किया इन्हें बताना चाहिए, और जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी रखना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स रखें, श्वेत पत्र लाएं इस पर जी। ये ओबीसी वर्ग के साथ एक ठगी है, जिस ओबीसी ने इनकी सरकार में 3-3 मुख्यमंत्री बनाए हैं और जितना इनको जनसमर्थन दिया है उस जनसमर्थन के साथ इन्होंने धोखा किया है और उनको जो है ठगने की कोशिश की है। बिल्कुल पंचायत चुनाव तो जी पहले देखें, इसलिए आपने अभी मेरी तो जानकारी में आया नहीं है, मैं उसको अध्ययन करेंगे फिर उसके बाद आपसे बात करें। लेकिन सर अगर इस तरह का फैसला, अब चूंकि जानकारी में, लेकिन हम लोगों के पास इस फैसले की जानकारी है तो सरकार की क्या तैयारियां मानी जा सकती है इस लिहाज से? जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसका के अनुसार सरकार उसको अध्ययन करता है। उसमें सर ये भी कहा है कि जो आंकड़े पेश किए गए उससे उस तरीके की संतुष्टि नहीं है और यही कारण है कि 2 महीने के भीतर चुनाव के साथ, 2 हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी करने के साथ साथ ये भी कहा गया है कि ओबीसी आरक्षण उस तरीके से नहीं दिया जा सकेगा, उसका अध्ययन करेंगे। अभी मेरी जानकारी में नहीं है जो भी निर्णय हुआ। लेकिन सर सरकार बार बार कहती रही है कि इस पर जो है वो फैसला, मतलब हमारी तैयारियां पूरी है, चुनाव फैसला आया है, क्या कहेंगे सर आप? कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट पेश की गई थी वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट का सर कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव किया जाएगा। जो आप बाइट कर लो आराम से। सर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरी जानकारी में अभी नहीं आया, जो फैसला है उससे हम पढ़ेंगे। बिना आरक्षण के ही चुनाव कराया जाए, तो यहाँ पर जो है हमने देखा कि एक और मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के हैं प्रभुराम चौधरी, वो भी जो है वो रिएक्शन
आरक्षण देने से फिलहाल बचते नजर आ रहे हैं। उन तमाम बड़े चेहरों की बात करें जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनमें से कोई भी इस मसले पर रिएक्शन दे नहीं पा रहा है, यही कह रहा है कि फिलहाल फैसले की जानकारी नहीं है। हालांकि हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं फिलहाल और राजभवन के लिए गए हैं। एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर है, जो ट्राइबल काउंसिल बनी है उसकी बैठक में शामिल होने के लिए वो यहाँ से निकले हैं। अनुराग, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता दीपक विजयवर्गीय जुड़ चुके हैं। दीपक जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ओबीसी आरक्षण को लेकर, एक बड़ा फैसला है, बिना ओबीसी आरक्षण के ही अब मध्य प्रदेश में चुनाव कराने होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, क्या आपको लगता है कि ये जो फैसला है वो पार्टी के लिए, सरकार के लिए अनुकूल है? देखिए, पार्टी और मध्य प्रदेश सरकार फैसले का अध्ययन करेगी और जो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, जो भी आदेश हैं, उनका अनुपालन करेगी। जी, लेकिन क्या आप अनुकूल मानते हैं इस फैसले को बिना ओबीसी आरक्षण के, क्योंकि सरकार ने पूरी कोशिश की थी इस मामले को जिस तरह से कोर्ट में पेश किया गया और इसके बाद इस तरह का फैसला आया? देखिए, चूंकि कांग्रेस की कुछ समय तक सरकार रही और उन्होंने स्थिति में बदलाव किया, तो भाजपा की जब सरकार बनी तो हमने सामाजिक न्याय की दृष्टि से ओबीसी के आरक्षण के साथ ही चुनाव हुआ, ऐसी हमने मंशा जताई थी, विधानसभा में भी ये संकल्प पारित किया था। जी। अब सुप्रीम कोर्ट चूंकि संविधान का और बाकी नागरिक अधिकारों का कस्टोडियन है, जो भी उसका निर्देश होगा आप मध्य प्रदेश की सरकार उसका अनुपालन करेगी। जी, हमारे साथ लगातार कांग्रेस मीडिया सेल उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता भी जुड़ चुके हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरह से आपने सुना वरिष्ठ बीजेपी नेता दीपक विजयवर्गीय कह रहे हैं कि सरकार पहले इन तमाम निर्देशों का अध्ययन करेगी कि कहा कुछ क्या गया है, हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय की दृष्टि से हमने जो कांग्रेस सरकार का फैसला था उसमें कुछ बदलाव किया था, लेकिन क्या कांग्रेस ये मानती है कि ये जो आज फैसला आया, हालांकि आप पहले बता चुके हैं कि जनता के साथ एक ठगी करने की कोशिश मध्य प्रदेश सरकार ने की है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी एक बड़ा झटका है आज का ये फैसला? ये तो सभी चीजों में भाई, ये अकेला ये थोड़ी है, कितने विषय अध्ययन करोगे आप? ये बताइए कि एक सरकार 15 महीने बाद ये घोषित करती है कि उसने फैसले को गलत समझ दिया था और अपने ही फैसले को 15 महीने बाद ये कह के पलटती है कि हाई कोर्ट के जो आदेश है उसको हमारी सरकार सही नहीं समझ पाई। जी। ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है और वो जो इस तरह का ये काहे के लिए अपॉइंट किए जाते हैं बड़े बड़े सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट कि वो फैसला भी ना पढ़ पाए और समझ पाए 15 महीने तक। जी। ये सरकार की हालत है और ये कह रहे हैं कि ये अध्ययन करेंगे। जब अध्ययन पूरा बिगाड़ने वाले आप, इन्होंने तो अब खुद ही स्वीकार कर लिया कि इन्होंने जो है कमलनाथ सरकार के जो फैसले हैं उसमें रद्दोबदल करने की कोशिश की थी, तो अब ये बताएं कौन से सामाजिक न्याय के लिए रद्दोबदल करने की कोशिश की थी? जी, जवाब दें दीपक जी। दीपक जी भी लगातार जुड़े हुए, उनसे भी जवाब लेते हैं। जी दीपक जी, देखिए, ओबीसी वर्गों को आरक्षण मिले और स्थानीय संस्थाओं में भी उनको पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन मिले, उसके लिए हम विधानसभा में भी प्रस्ताव लेके आए, संकल्प लेके आए, संकल्प पारित हुआ था और इसी दृष्टि से बदलाव किए गए थे। जहां तक कमलनाथ सरकार की बात है तो उन्होंने पुराने जो नगर पालिका अधिनियम था उसमें बदलाव अपनी चुनावी दृष्टि से किए थे, जैसे भोपाल की दो नगर निगम कर दी, उनको लगता था भोपाल नहीं जीत सकते तो शायद एक इलाके में हम चाहे कहीं जीत जाएं। जी। तो इस तरह के जो बदलाव थे उसको हमने निर्मूल किया और व्यापक हित में समाज के सभी वर्गों को सामाजिक न्याय मिले उस दृष्टि से बदलाव की कोशिश की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्देश दिया है उसका अनुपालन किया जाएगा। जी भूपेंद्र जी, नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट की आड़ में अब इन्हें बचना है, ये अपना जो है दुशाला ओढ़ के भगेंगे। जब कोई आदमी धोखा देता है और उसे कवर मिल जाता है तो कवर लेके भगता है। ये भारतीय जनता पार्टी अब पलायन करेगी, ये चादर मिल गई है ओढ़ने के लिए। जी दीपक जी, अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक और बड़ी बात यहाँ पर ये कही है कि अब 2 हफ्ते के भीतर अधिसूचना भी जारी करनी होगी। अब चूंकि सभी जो सीटें हैं वो तो सामान्य ही घोषित कर दी गई, लेकिन एससी एसटी वर्ग अभी भी है, तो क्या आपको लगता है कि इसका किसी तरह का खास असर अब जो पंचायत चुनाव आगे मध्य प्रदेश में होंगे उनमें देखने को मिल सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है उसका अध्ययन करने के बाद ही सरकार इस संबंध में कुछ चुप्पी करेगी और आगे कदम उठाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्देश है उनका पूरा अनुपालन किया जाएगा, इससे तरफ हमारी कोई अलग से राय नहीं होती। जी, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरा पालन किया जाएगा और सरकार पहले अध्ययन करेगी, ये कहना है वरिष्ठ बीजेपी नेता दीपक विजयवर्गीय का। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सियासत जमकर शुरू हो चुकी है। कांग्रेस जहाँ अब सरकार के द्वारा जनता को ठगने का आरोप लगा रही है,
तो वहीं बीजेपी इस पर फिलहाल किसी भी तरह का स्टैंड लेने से बच रही है। हम सीधा रुख करेंगे भोपाल का। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, विस्तृत अध्ययन अभी हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। धन्यवाद। तो बहुत संक्षेप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे फैसले पर अपनी बात रखी और कहा कि जिस तरह से अभी फैसला है इसका पहले विस्तृत अध्ययन करेगी सरकार और रिव्यू पिटीशन भी दायर करेगी। रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है जब पत्रकारों ने उनसे इस संबंध में सवाल पूछा। तो फिलहाल रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात अब कही जा रही है सरकार की तरफ से। हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय लगातार भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, जो तमाम बीजेपी नेताओं के रिएक्शंस भी हम तक पहुंचा रहे हैं इस फैसले के बाद से। अनुराग, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान हमने सुना। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पहले तो इसका अध्ययन करना है, जो कि बीजेपी के तमाम नेता भी कह रहे थे जब आप रिएक्शंस ले रहे थे। साथ ही रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात भी कही है मुख्यमंत्री ने, यानी कि सरकार को अब भी कोई ना कोई उम्मीद जरूर बची है। अनुराग, चले तो अनुराग से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत के चुनाव होंगे, 2 सप्ताह के भीतर अधिसूचना इसकी जारी करनी होगी और बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के निर्देश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग ही चुनाव कराए, फिलहाल सिर्फ एससी एसटी आरक्षण ही रहेगा और 2 हफ्ते में इसकी अधिसूचना जारी करनी होगी। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना बड़ा फैसला सुना दिया है। बिना ओबीसी आरक्षण के ही अब पंचायत चुनाव कराने के निर्देश हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश में अब तक आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत चुनाव होंगे और ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने के लिए वक्त नहीं दिया जा सकता। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने निर्देश में कि ट्रिपल टेस्ट के लिए अब सरकार को वक्त नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सरकार पहले ही काफी लेट हो चुकी है चुनाव को लेकर। हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से इस पूरे फैसले पर बहुत संक्षेप में अपनी बात रखी और साफ तौर पर यह भी कहा है कि इस फैसले का पहले तो सरकार अध्ययन करेगी और अध्ययन करने के बाद रिव्यू पिटीशन भी दायर कर सकती है, यानी कहीं ना कहीं सरकार को अब भी कोई ना कोई उम्मीद बाकी है। अनुराग, चलिए तो अनुराग से हम संपर्क करेंगे और अनुराग लगातार हम तक बीजेपी नेताओं के रिएक्शंस भी पहुंचा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में इस वक्त वो मौजूद है जहां बीजेपी की बैठकें भी चल रही हैं। और जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर बात कही गई है कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव हो, दो हफ्ते के भीतर जो है अधिसूचना जारी की जाए, किस तरह से देखते हैं इन परिस्थितियों को? बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कितना हित में है, कितना पार्टी को नुकसान करेगा, फायदा करेगा, ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ही आपको बता पाएंगे। इस बारे में मुझे ज़्यादा कोई विस्तृत जानकारी नहीं है, नो कमेंट्स। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन जो है इसको लेके दाखिल की जाएगी और हम चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव हो, कितनी तैयारियां होंगी और पार्टी और संगठन के हिसाब से क्या फीडबैक इसका? नहीं, पार्टी और संगठन की तो पूरी तैयारी है, लेकिन आगे की जो भी वो आदरणीय हमारा प्रदेश संगठन जो बात करेगा वही आपसे करने वाला। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की जो प्रदेश अध्यक्ष है माया गरोड़िया, वो ये कह रही थी कि जो सत्ता की संगठन की पूरी तैयारियाँ चुनाव को लेकर है, लेकिन अभी बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जैसा कहा है कि सरकार रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी, अब देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है कि आज ही की तारीख में सरकार की तैयारी होगी कि एक रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाए, क्योंकि एक बड़ा मैसेज इससे राजनीतिक रूप से जा सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव ये देखने वाली बात होगी। पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस तरीके से अगर हम कहें इन पूरे समीकरणों की, इन तमाम बातों की, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जो परिस्थितियां बनी हैं उसके लिहाज से कि मुख्यमंत्री ने रिव्यू पिटीशन का ऐलान किया और उन्होंने अब फिर एक बार कहा है कि हमारी कोशिश यही है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव ना हो। जी बिल्कुल अनुराग, और रिव्यू पिटीशन की बात करना और दायर करने के लिए आगे कदम बढ़ाना, क्या सरकार को अभी एक उम्मीद बाकी है कि अगर रिव्यू पिटीशन दायर होती है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर अगली बार जो फैसला देगा उसमें किसी तरह का कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अड़िग रहा, तो इसमें कितना ज़्यादा प्रतिकूल इसे सरकार के लिए माना जाए वहाँ के राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर?
देखिए अगर एक सबसे बड़ा तकनीकी पहलू देखिए तो सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि एक सफिशियंट टाइम जो है वो दे चुका है ऑलरेडी सरकार को, लगातार इसको लेके समय दिया गया, एक बड़ा गैप दिया गया कि आप आंकड़े इकट्ठे करें, फिर आंकड़ों के हिसाब से जो है वापस दोबारा आए, जिस दिन फैसला होना था उसके बाद फिर 10 दिनों का समय दिया गया, उसके पहले 3 महीने का समय दिया गया। तो लगता है जिस तरीके से ये रिव्यू पिटीशन होगी इसका कितना इम्पैक्ट आएगा, चूंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया है, लेकिन अगर एक सरसरी नज़र से देखा जाए तो ऑलरेडी बहुत टाइम दिया जा चुका है और अब संभावना इस बात की कम है कि इसके बाद राज्य सरकार को और समय दिया जाएगा और रिव्यू पिटीशन पे बहुत ज़्यादा विचार किया जाएगा। लेकिन कोई ऐसा बड़ा तथ्य इस बीच में राज्य सरकार के पास में हो, कई बार ये तो है कि जिसको मैजिकल लॉजिक कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, अगर इस तरीके का कोई लॉजिक है तो जरूर इस रिव्यू पिटीशन पे विचार हो सकता है, लेकिन संभावनाएं इसकी फिलहाल अगर देखा जाए तो बहुत कम है। बिल्कुल, सरकार के लिए निश्चित तौर पर इस पूरे फैसले को एक झटके के तौर पर अनुराग देखा जा रहा है, लेकिन अगर हम वहीं विपक्ष की बात करें, हालांकि विपक्ष भी लगातार ओबीसी आरक्षण की पैरवी करता रहा है और जिस तरह से महाजन कमेटी का भी हम जब अभी भूपेंद्र गुप्ता जी से बात करें तो उन्होंने भी कहा कि महाजन कमेटी के जो तमाम निर्देश थे उसको भी यहाँ पर शून्य कर दिया गया और कमलनाथ सरकार का ही उन्होंने कहा कि वहाँ पर भी ओबीसी आरक्षण को एक खास तवज्जो दी गई, लेकिन इस निर्देश के बाद क्या लगता है अनुराग की भारतीय जनता पार्टी के लिए तो निश्चित तौर पर एक झटका है, लेकिन वहीं विपक्षी दल की बात करें तो क्या उसके लिए राह आसान हो जाएगी या फिर चुनौती अभी भी बनी रहेगी पंचायत चुनाव में? देखिए चुनाव पंचायत चुनाव की बात करें तो फिलहाल के फैसले तो थोड़ा सा विपक्ष को हम ये कह सकते हैं कि फेवरेबल फैसला है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात है, खुद कांग्रेस को भी ये समझनी होगी, क्योंकि इसमें जो महाजन समिति थी उसके अनुसार जो आरक्षण चल रहा था वो भी शून्य कर दिया गया है, तो राज्य सरकार इसको एक बड़ा आधार बना सकती है, क्योंकि बिल्कुल ही ओबीसी आरक्षण ना हो और सिर्फ एससी एसटी आरक्षण हो, इसके आधार पर चुनाव कराया जाए, राज्य सरकार इसका विरोध कर सकती है। अब राज्य सरकार अपनी पुरानी पिटीशन के हिसाब से नहीं जाएगी, राज्य सरकार अब एक नई पिटीशन दाखिल करेगी जिसमें वो ये कहेगी कि जो आया है और जिस तरीके की आबादी का प्रतिशत है उस लिहाज से इसको एक अलग नजरिए से देखना होगा, राज्य सरकार अब इस आधार पर सकती है, तो इस आधार पे कहीं ना कहीं इस रिव्यू पिटीशन को महत्व मिल सकता है और यही बात कांग्रेस को समझनी होगी कि कांग्रेस जिस बात का जिक्र कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उसी बात का जिक्र करेगी और उसको आधार मान के जो है वो जब पिटीशन जो है वो रिव्यू के लिए दाखिल करेगी, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा आधार हो सकता है जिसको हम मैजिकल लॉजिक की बात करते हैं वो यहां पर ये हो सकता है। इस वक्त हम आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जुड़ चुके हैं। कमलेश्वर जी, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है चुनाव को लेकर, ओबीसी आरक्षण के बिना ही अब पंचायत चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, कितना अनुकूल आप इस पूरे फैसले को मानते हैं पंचायत चुनाव के मद्देनजर? देखिए ये जो भी निर्णय आया है ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार की भाजपा नेताओं की गलतियों की वजह से इस तरह की स्थिति पैदा हुई है और इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाजपा के नेता ओबीसी के हितैषी नहीं है, ओबीसी को लगातार दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ओबीसी के मिले अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो 27% आरक्षण नौकरियों में मिला हो, वो भी आज कोर्ट में ही पेंडिंग चल रहा है, हियरिंग पर हियरिंग हो रही है। पंचायत चुनाव अगर नियम प्रक्रिया के तहत हुआ होता जो त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम बना था उसके अनुरूप अगर हुआ होता जिस तरह से छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुआ है तो मध्य प्रदेश में वो स्थिति नहीं पैदा होती। भाजपा के नेताओं ने, भाजपा सरकार ने नया अध्यादेश लाकर और पंचायत चुनाव को बाधित करने की कोशिश की, ओबीसी आरक्षण खत्म करने की कोशिश की और जिसकी वजह से आज चाहे वो सामान्य वर्ग के लोग हों, चाहे पिछड़ा वर्ग के लोग हों, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति के हो, चाहे महिलाएं हों, सबको रोकने का काम किया है और पूरी तरह से ये भाजपा का षड्यंत्र है, आरएसएस का षड्यंत्र है। बिल्कुल कमलेश्वर जी, लेकिन मुख्यमंत्री ने खुद कहा है अभी जब उन्होंने बयान दिया इस पूरे फैसले के बाद कि रिव्यू पिटीशन अब मध्य प्रदेश सरकार दाखिल करने जा रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को फिलहाल तो कोई उम्मीद है और वो पहल भी कर रही है? सरकार सिर्फ नाटक कर रही है, ये नाटक नौटंकी की सरकार चल रही है। भाजपा के नेता पूरी तरह से ओबीसी वर्ग को लगातार गुमराह करने की बात की है और जब वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी मांगी थी ट्रिपल टेस्ट की और जो जानकारी उपलब्ध कराई उस समय भूपेंद्र सिंह मंत्री जो भाजपा सरकार में उनका बयान आता है 35% आरक्षण के लिए हम प्रस्तावित किए, आधी अधूरी जानकारी देते हैं, 48% आबादी बताते हैं, 52% से ज्यादा आबादी है, जो 2011 में यूपीए गवर्नमेंट ने सर्वे कराया था तो मध्य प्रदेश की आबादी 52% से ज्यादा ओबीसी की है और जनरली 54% 55% बात करते हैं ओबीसी के, पर जिस तरह से भाजपा के नेता लगातार गुमराह करने की बात कर रहे हैं, 18 साल भाजपा की सरकार थी, 15 साल पहले थी, 2 साल से अभी है, पहले भी इन्होंने ओबीसी के
हित में कोई काम नहीं किया, उनको आरक्षण देने का काम किया, मिला हुआ आरक्षण कोर्ट में निरस्त हो जाता है इनके बिना पैरवी करने की वजह से। रामेश्वर जी आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा जुड़ चुके हैं। रामेश्वर जी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी टिप्पणी, कितना अनुकूल कितना प्रतिकूल इस फैसले को आप देखते हैं? देखिए, एक तो अभी हम फैसले के बारे में पूरा अध्ययन करा रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है जी। दूसरे, हमारी मंशा और हमारी सरकार की मंशा ये तय है कि जो ओबीसी आरक्षण की बात सरकार ने कही है और लोगों में इसका चर्चा है, तो हम चाहते थे कि उनका जनप्रतिनिधित्व मिले, इस बात के लिए सरकार वचनबद्ध है। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया है सरकार उसका भी अध्ययन कर रही है और तद अनुसार हम उसका अनुसरण करेंगे जी। बिल्कुल रामेश्वर जी, आप कह रहे हैं कि सरकार अध्ययन कर रही है, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जुड़े हैं। वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ गलतियां की जब पिटीशन भी दायर की गई थी, तमाम जब चीजें यहां पर हुई, और उसी वजह से ये जो फैसला आया वो जनता के सामने खड़ा है आज। देखिए, कमलेश्वर पटेल बहुत समझदार और वो है, ये मंत्री भी रहे हैं, इनकी सरकार ने काफी कुछ काम किए होंगे जी। अब उन्हीं से पूछ लो कि उनकी सरकार में आरक्षण की क्या पोजीशन थी और अभी की सरकार में आरक्षण की क्या पोजीशन है जी। इसलिए जनता भी सब जानती है और ये भी अंदर से सब जानते हैं जी। कमलेश्वर जी जवाब दें। भी हमारा तो एक ईमानदारी पक्ष है कि ओबीसी को आरक्षण मिले जी, उस दिशा में सरकार पहल कर रही है जी, पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का भी हम अध्ययन कर रहे हैं जी। कमलेश्वर जी, देखिए, कांग्रेस की सरकार थी तो 27% ओबीसी का आरक्षण लागू किया था कांग्रेस सरकार ने, और नोटिफिकेशन होने के बाद समझने में, जबकि 3 डिपार्टमेंट में रोक लगी थी, पर समझने में सरकार को सालों लग गए, तो बार बार नोटिफिकेशन किया, आज भी लोग वंचित हैं। शिक्षक जो सिलेक्टेड है, जो मेरिट सूची में है, आज वो दंगे सारे पिछड़ा वर्ग के लोग, सरकार के द्वारा वो महीनों से आंदोलनरत है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनका हमेशा दोहरा एजेंडा रहता है, बोलते कुछ और है करते कुछ और है। महाजन आयोग कांग्रेस सरकार ने बनाया था, 27% अगर उच्च शिक्षा में आरक्षण दिया पढ़ने के लिए बच्चों को, तो यूपीए गवर्नमेंट ने दिया था, इतने भी काम हुए, तो कांग्रेस सरकार ने ओबीसी एससी एसटी के हित में किया है, भाजपा ने कुछ भी नहीं किया है, और इनका छुपा हुआ एजेंडा लागू करने का काम अभी हो रहा है जी। कमलेश्वर जी, अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो लीडर्स हैं वो तो यही कह रहे हैं कि फिलहाल इस पूरे फैसले का अध्ययन किया जाएगा, और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से हमने आपको बताया भी कि ये कहा है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अडिग होता है कि 2 हफ्ते के भीतर ही आपको अधिसूचना इसकी जारी करनी होगी, ऐसे में कांग्रेस क्या कुछ तैयारी रख चुकी है पंचायत चुनाव को लेकर, या फिर आगे करनी बाकी है, और क्या आपको लगता है कि ये जो फैसला है वो कहीं ना कहीं प्रभाव तो कांग्रेस पार्टी पर भी डालेगा? फैसला आया है कांग्रेस पार्टी के ऊपर प्रभाव इसलिए नहीं डालेगा कि कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी के हित में काम किया है और निर्णय किए हैं, लोगों को देने का काम किया है, इस तरह से छीनने का काम नहीं किया। मिला हुआ अधिकार अगर छीनने का काम किया है तो भाजपा की सरकार ने किया है, पहले 27% नौकरियों में आरक्षण छीनने का काम किया, उच्च शिक्षा से वंचित करने का काम किया, अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, वहां से भी वंचित करने का ओबीसी के लोगों को अगर किसी ने काम किया है तो भाजपा सरकार ने किया है। नया अध्यादेश अगर ये नहीं लाते तो पुरानी नियम प्रक्रिया थी जिसके तहत इन्होंने भी चुनाव कराया था, अगर 2 बार कांग्रेस सरकार ने कराया था तो इन्होंने भी 3 बार उसी नियम प्रक्रिया से चुनाव कराया था, और अगर उस नियम प्रक्रिया के तहत चुनाव होता तो शायद आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। इसके लिए पूरी तरह से भाजपा सरकार दोषी है, भाजपा के नेता तो पूरी तरह से भाजपा सरकार को ही दोषी कांग्रेस यहां मानकर चल रही। कमलेश्वर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा इस पूरे फैसले को लेकर, आपको एक बार फिर सुनाते हैं। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम यही कोशिश करेंगे कि जो पंचायत चुनाव है वो ओबीसी आरक्षण के साथ हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात भी उन्होंने कही है। फिलहाल देखना होगा कि सरकार का अगला कदम इस दिशा में क्या होता है, कब तक ये पिटीशन दाखिल की जाती है, और फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पर स्टैंड होता है।
तो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं और कहीं ना कहीं इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा था राज्य सरकार के, लेकिन फिलहाल सरकार ने कहा है कि पहले तो इस पूरे फैसले का विधिवत अध्ययन किया जाएगा कि कौन कौन से बिंदु इस फैसले में शामिल हैं और इसके आगे सरकार क्या कर सकती है ताकि ओबीसी आरक्षण दिया जा सके पंचायत चुनाव में। इसको लेकर सरकार मंथन करेगी। रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है। हालांकि बीजेपी के तमाम जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि पहले इस पूरे फैसले का अध्ययन होगा। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस पूरे फैसले को इस नजरिए से देखता है कि वर्तमान सरकार ने जिस तरह के तमाम मापदंड अपनाए उसकी वजह से ये फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा है अपने निर्देश में कि सरकार पहले से ही चुनाव को लेकर के बहुत लेट हो चुकी है, इसलिए दो हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी करनी होगी। ट्रिपल टेस्ट करने का वक्त भी अब नहीं दिया जाएगा क्योंकि सरकार पहले ही बहुत देरी कर चुकी है और राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कराने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। आपको इसके तर यह भी बता दें कि 23,200 सीटें खाली हैं, 236 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी कोई फिलहाल प्रतिनिधित्व करता ही नहीं है और लंबे वक्त से ये सीटें खाली चल रही हैं और पंचायत चुनाव अपनी तय सीमा से काफ़ी देर भी हो चुकी है, इसके होने में तारीखें काफ़ी आगे बढ़ती गई और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और अब फिलहाल इस पर फैसला आ चुका है। और हम सीधा रुख करेंगे भोपाल का, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ हमारे विशेष सहयोगी अनुराग मालवीय जुड़े हुए हैं। जी अनुराग, जो नगरीय प्रशासन वही जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को हैंडल कर रहे थे, लगातार उन्होंने जानकारी दी थी किस तरह के आंकड़े हैं, किस तरह की परिस्थितियां हैं, ये तमाम बातें उन्होंने जरूर कही थी और इसी के चलते हम उस सर पहले तो जिस तरह का ये पूरा निर्णय आया है, फैसला है, किस तरह से इसको देखा जाए? नहीं देखिए, सरकार चाहती है कि ओबीसी को ओबीसी के आरक्षण के साथ ही चुनाव हो और इसलिए जो फैसला आया है इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे और हमारी सरकार चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही हो, ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है। जिस तरह के सर आप लोगों ने आंकड़े दिए थे जो कहां दिक्कत आई, क्योंकि आप लोगों का कहना यह था कि 48% से ज्यादा की आबादी है, तमाम तरीके के आंकड़ों का आपने सैंपलिंग का भी पूरा डिटेलिंग उसमें दिया था, आपने पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की थी, तो इस तरह का जो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन आया तो कहां पर ऐसा लगता है कहीं चूक हुई है? नहीं देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे के अंदर आप पिछड़ा वर्ग कल्याण ओबीसी की रिपोर्ट सबमिट करो। हमने 24 घंटे में रिपोर्ट सबमिट कर दी सर्वोच्च न्यायालय के सामने, 600 पेज की रिपोर्ट प्रस्तुत की हम लोगों ने और उसमें ओबीसी के सारे तथ्य और सारे प्रमाण हम लोगों ने उसमें दिए और ये कहा कि कई जिले ऐसे हैं जहां पर ओबीसी की आबादी 69% तक है और हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने और हमारे आयोग के माननीय अधिवक्ता जी ने 40 मिनट तक न्यायालय के समक्ष मजबूती से पक्ष रखा ओबीसी के पक्ष और कहा कि न्यायालय अगर और कोई जानकारी चाहता है तो हमें एक सप्ताह का समय दिया जाए, परंतु न्यायालय ने हम लोगों को समय नहीं दिया। आज जो आदेश आया है इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने निर्णय किया है कि हम रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे और भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव होना चाहिए। रिव्यू पिटीशन सर दाखिल कब तक करेंगे, क्योंकि सिर्फ 2 हफ्ते के भीतर की बात चाहिए अधिसूचना जारी करने के लिए निर्वाचन आयोग को कोर्ट ने? हम समय सीमा में करेंगे, इसका पूरा अध्ययन करके और समय सीमा में। सर एक आखिरी सवाल है इसमें, अगर हम ये इस पूरी परिस्थिति को देखें जिस तरीके की बनी है, अगर इसका देखें तो सियासी दृष्टिकोण से क्या आपको लगता है कि क्योंकि कांग्रेस बार बार दावा ये भी कर रही है कि महाजन समिति के अनुसार भी आप लोग जो है आरक्षण नहीं दिलवा पाए, तो ये क्या एक पॉलिटिकल बैकफुट पे भी ला रहा है पार्टी को? देखिए ये जो परिस्थितियां बनी है ये कांग्रेस के कारण ही बनी है। राज्य सरकार ने आरक्षण करके स्थानीय निकाय के और पंचायत के राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया था, राज्य निर्वाचन आयोग ने तिथि भी घोषित कर दी थी, परंतु कांग्रेस उसके खिलाफ, चुनाव के खिलाफ
पहले हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की तरफ से ये तथ्य रखे गए, ये बात रखी गई, महाराष्ट्र का उदाहरण दिया गया, और उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पर स्टे किया। अगर कांग्रेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती तो उस समय चुनाव हो ही रहे थे, चुनाव की तारीखें घोषित हो गई थी, सारी प्रक्रिया सरकार ने समय पर पूरी कर दी थी, हम लोगों ने ओबीसी का आरक्षण कर दिया था, सब कुछ कर दिया था। ये पाप अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस को पूरे पिछड़ा वर्ग से माफी मांगना चाहिए। अब भी आप 35% की मांग करेंगे या फिर अब किसको कंसीडर किया जाएगा? नहीं, हम रिव्यू पिटीशन का निर्णय सरकार ने लिया है और उस पर सारा विधिक सलाह के बाद हम लोग करेंगे और 35% की ही मांग करेंगे। जी सर, तो यहाँ पर जो है मनोहर नितिन सिंह जी का कहना यह है कि अभी भी उन्होंने कहा कि रिव्यू पिटीशन को लेकर तकनीकी पहलुओं को लेकर विश्लेषण किया जाएगा, लेकिन वो अभी ये कह रहे हैं कि हम 35% अरे मैं दो दिन से मेरे ट्वीट पढ़ो कि मैं बता चुका हूँ, महाराष्ट्र का जजमेंट आ चुका है, संवैधानिक प्रावधानों की पृष्ठभूमि में ये जजमेंट्स आते हैं, ये पूरे देश के लिए जजमेंट्स एक नज़ीर बनते हैं, और आप उस चीज़ को समझने को तैयार ही नहीं हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आपके पास सलाहकार नहीं है जो आपको समझा सके ठीक से कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अरे आपने, आपको समझना था कि 10 साल 15 साल से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ चुके हैं ट्रिपल टेस्ट के, एक साल से सुप्रीम कोर्ट बार बार अपने जजमेंट में दोहरा रहा है ट्रिपल टेस्ट के बारे में, और आप उसको फॉलो ना करके आप एक ऑर्डिनेंस ले आते हो डिलिमिटेशन को रद्द करने के लिए, वो भी असंवैधानिक था कि हम 14 का डिलिमिटेशन अडॉप्ट करेंगे। और जब मैं बोलता हूं कि भाई डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दीज थिंग्स, तो मेरी एफएजी जला रहे हो आप मध्य प्रदेश में, मेरे बारे में बोल रहे हो कि ये रिस्पॉन्सिबल है। अब समझ आ गया कौन रिस्पॉन्सिबल है? ओबीसी के राइट्स के साथ किसने कोठाराघात किया? क्योंकि आपने विलंब किया, आपने कानून को नहीं समझा, ना कानून की इज्जत की, इसलिए ये सब हो रहा है। अगर आप विलंब नहीं करते, कानून को समझ लेते, उसकी प्रक्रिया फॉलो करते, तो ये चीज आराम से हो सकती थी और सबके राइट्स इंटैक्ट रहते। ये तो एक बहुत गंभीर विषय है, मध्य प्रदेश को सोचना पड़ेगा कि हमको किस प्रकार की लीडरशिप चाहिए। ऐसी लीडरशिप चाहिए जो ना कानून समझती है, ना कॉन्स्टिट्यूशन को समझती है, ना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को समझती है, और बार बार बताने के बाद ही नहीं समझने को तैयार हो, ये बहुत अफसोस की बात है। देखिए उनका अधिकार है, मैं उनके अधिकार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, बट रिव्यू के पैरामीटर्स होते हैं। रिव्यू के पैरामीटर्स ये होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई मिस्टेक की है, अगर कोई गलती की है, तो उसको करेक्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये जो महाराष्ट्र में कहा है उसको रिपीट किया है मध्य प्रदेश में, तो सुप्रीम और ये महाराष्ट्र में क्या कहा है जो सुप्रीम कोर्ट 2010 से गवाली के केस से लेकर आज तक कहते आ रही है, तो हमको तो इसमें कोई मिस्टेक दिख नहीं रही है। बहरहाल अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई मिस्टेक दिखती तो हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट। नहीं, देखिए रिव्यू उसी बेंच में होता है जहां पर ये ऑर्डर हुआ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही रिव्यू होगा, ये कार्य क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट का है। बट रिव्यू के जो मापदंड होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं कि आपके एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, दैट मींस आपने कोई इतनी बड़ी त्रुटि की है, भूल की है, कि आप कोई प्रावधान को भूल गए हो। तो हमको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट कोई प्रावधान भूली है, भूली तो अपनी मध्य प्रदेश की सरकार है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे और संविधान में कुछ लिखा था। तो विवेक तनखा को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि ओबीसी के अधिकारों के साथ कुटाराघात किया गया है, बीजेपी ने विलंब किया, कानूनी प्रक्रियाओं को बीजेपी ने नहीं समझा, बार बार बताने पर भी समझा नहीं है, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में जो किया वही मध्य प्रदेश में भी किया गया है। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जो है वो इस पर जिम्मेदार है, सही तरीके से जो तथ्य है वो रखे नहीं गए, भ्रम के चलते ही ओबीसी को धोखा दिया गया है, आयोग के बगैर सुनवाई जो है वो
रखी गई है। तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पक्षधर में रही है, लेकिन अब इस पर जो फैसला आने के बाद अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। रिव्यू पिटीशन दाखिल करने जा रही है मध्य प्रदेश सरकार। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे और यही उम्मीद है, यही चाहते हैं कि ओबीसी जो है वो आरक्षण के साथ ही चुनाव हो, पंचायत चुनाव और स्थायी निकाय चुनाव। रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। जिस तरह से एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर कि बिना ओबीसी आरक्षण का ही होगा चुनाव, राज्य चुनाव आयोग चुनाव करवाए, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। वहीं दो हफ्ते में अधिसूचना जारी करना है, 5 साल में चुनाव कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है, ट्रिपल टेस्ट पूरा करने के लिए और वक्त नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ये भी कहते हुए नजर आए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया, अलग अलग प्रतिक्रियाएं इसमें सामने आ रही है। वहीं ओबीसी बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होगा, राज्य चुनाव आयोग चुनाव करवाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी हो रही है उसके लिए भी कहा गया है। तो जिस तरह से पंचायत चुनाव का ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला अब सुना दिया है, रिव्यू पिटीशन दाखिल करने जा रही है मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे थे कि हम ये चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। वहीं विवेक तनखा ये कहते हुए नजर आए कि ओबीसी के अधिकारों के साथ कुठाराघात मध्य प्रदेश सरकार ने किया है और बीजेपी ने विलंब कर दिया, कानूनी प्रक्रियाओं को समझा ही नहीं, बार बार बताने पर भी समझा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से महाराष्ट्र में जो किया वही रिपीट मध्य प्रदेश में भी किया गया है। तो ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने के लिए खासतौर से वक्त और दिया नहीं जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जिस तरह से 2 साल पहले खत्म हो चुका था 23,000 से ज़्यादा पंचायतों का कार्यकाल, मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का मामला गरमाया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंचा था और आज जो फैसला है वो आ चुका है। तो बता दें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के स्थानीय निकाय के जो चुनाव हैं वो होंगे। चुनाव आयोग को 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने को कहा गया है। पिछले 2 साल से 23,000 के करीब स्थानीय निकाय के पद खाली पड़े हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी भी जताई और संदेह भी जताया कि अभी तक ऐसा कैसे हुआ कि 23,000 के जो करीब स्थानीय निकाय के पद हैं वो कैसे खाली पड़े हैं। 5 साल में चुनाव कराना सरकार का संवैधानिक दायित्व होता है, आरक्षण देने के ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने के लिए वक्त और नहीं दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का ये पूरा मामला बता दें 2022 को लेकर अब रास्ता पूरी तरह से साफ होता हुआ नजर आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें साफ तौर पर ये क्लियर कर दिया गया है कि अब मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत चुनाव होंगे। राज्य चुनाव आयोग को ही सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि बिना ओबीसी के चुनाव जो है वो कराए जाएं। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि इसके लिए 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी की जाएगी। तो बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव होना है, राज्य चुनाव आयोग चुनाव करवाए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया, उन्होंने ये कहा कि पिटीशन जो है वो रिव्यू पिटीशन हम दाखिल करेंगे और हमारी यही मंशा, हम यही चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव जो है वो होना चाहिए। अब देखना होगा इसके आगे क्या कुछ सरकार करती है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला सुना दिया, एक रास्ता जो है वो क्लियर कर दिया, क्योंकि पहले हाई कोर्ट में मामला पहुंचा, फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और लगातार मामले पर सुनवाई होती रही है। कोर्ट के सामने राज्य सरकार ने कोर्ट द्वारा मांगी गई ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट भी रखी, हालांकि इसमें अब अपने अपने तरीके से बयान भी सामने आ रहे हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा गया कि मध्य प्रदेश
ब्यूरो हेड अजय त्रिपाठी जी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अजय जी, जिस तरह से हम देख रहे थे कि लगातार बीजेपी हो चाहे कांग्रेस है, दोनों ही पक्षधर रहे हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर, लेकिन एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सुना दिया है कि 5 साल में चुनाव कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी होती है, वही हैरानी भी खासतौर से सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी। अब क्या लग रहा है, अब क्या स्टैंड होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक तरफ कहते हुए नजर आए कि हम रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। अजय जी, अजय जी आप सुन पा रहे हैं हमें? तो मध्य प्रदेश ब्यूरो हेड अजय त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, जिस तरह से बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रिव्यू पिटीशन दाखिल मध्य प्रदेश सरकार करेगी, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला कि चुनाव आयोग को 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करनी है, ऐसे में अब क्या लग रहा है, सरकार क्या कुछ स्टैंड लेगी? श्वेता, निश्चित रूप से सरकार ने कहा कि रिव्यू पिटीशन में जाएगी, तो सरकार अपने अंदाज में काम करेगी। रिव्यू पिटीशन की तैयारी शुरू हो चुकी है और लॉ डिपार्टमेंट को मैसेज चला गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री के कहने के तुरंत बाद पूरा प्रशासन सक्रिय हो गया, मैसेज कन्वे हो गया लॉ डिपार्टमेंट को, उसकी पूरी प्रेसी तैयार की जा रही है और सरकार रिव्यू पिटीशन करेगी। पर असल मुद्दा यह है कि चुनाव तो फिर डिले होंगे। जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल से जो बात कही, हार्टली जो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई आप इतना लेट लगातार चुनाव को करते जा रहे हो, तो अगर ये रिव्यू पिटीशन में जाते हैं तो फिर लगेगा, या तो रिव्यू पिटीशन में जाकर के फास्ट हेयरिंग की रिक्वेस्ट की जाए सुप्रीम कोर्ट से, या तब अन्य काम करना पड़ेगा। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जो बात कह रहा है, जो मुद्दा है, मूल मुद्दा कि चुनाव टाइम पर हो जाए, वो मूल मुद्दा तो फिर भटक जाएगा और चुनाव डर जाएंगे। एक बड़ा कंफ्यूजन होता और हो रहा है कि जो आरक्षण आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के आरक्षण को टोटली रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आरक्षण बिना आरक्षण के चुनाव कराइए, लेकिन चुनाव टाइम पे कराइए अब, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था है। तो पिछले लगभग 28 साल से जो आरक्षण ओबीसी को मिल रहा था वो खत्म हो जाएगा इस बार अगर चुनाव होते हैं तो। अगर रिव्यू पिटीशन के पहले स्टे नहीं मिलता और चुनाव हो जाते हैं तो 27% आरक्षण जो ओबीसी को था वो खत्म माना जाएगा। लेकिन SC के लिए, अनुसूचित जाति के लिए जो 16% आरक्षण था, और अनुसूचित जनजाति ST के लिए जो 20% आरक्षण था, वो यथावत रहेगा। यानी 36% आरक्षण बना रहेगा नगरीय निकाय के चुनाव में, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, उसमें 36% आरक्षण बना रहेगा ST और ST का। सिर्फ ओबीसी का आरक्षण इस बार 0 होगा, ये हम स्पष्ट करना चाहते हैं। जी श्वेता जी, अजय जी, विवेक तनखा ने ये भी कहा कि बीजेपी ने विलंब किया, कानूनी प्रक्रियाओं को नहीं समझा, बार बार बताने पर भी नहीं समझा, और जिस तरह से महाराष्ट्र में किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस समय भी यही लग रहा था कि मध्य प्रदेश में भी सुप्रीम कोर्ट इसी तरह का जो फैसला है वो सुना सकती है। देखिए, सारे पॉलिटिशियन, चाहे वो विवेक तनखा हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे जितने इस समय तमाम बातें कर रहे हैं, ये सब पे एक कहावत लागू होती है कि दुबे जी चले थे, चौबे जी चले थे, 26 बनने, और 26 की बजाय दुबे बन के वापस आ गए। ये स्थिति हो गई है। अब अच्छा भला आरक्षण था उसको उलझा करके, इन लोगों ने जो आरक्षण मिलता था उसको उलझा करके 14 का 27, 27 का 35 बिना मजे की बातें करने लगे, तो जो चौबे जी थे वो 26 जी बनने गए थे और दुबे जी बन गए, वापस 0% पे आ गए। ये सबसे बड़ी चोट हुई है इस मध्य प्रदेश में। जो अगर सरकार के आंकड़ों पर भरोसा किया जाए तो 48% ओबीसी है, गैर सरकारी आंकड़ों पर भरोसा किया जाए तो 52% ओबीसी, उनके संग अन्याय हुआ, और इसके दोनों के दोनों पार्टियां जिम्मेदार है। श्वेता, जहां विवेक तनखा ने कौन सा बहुत बड़ा कदम उठा लिया, वो कितना लेट सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन किए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले इंटरवीन होता तो शायद फैसला कुछ और आता। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही, पर गलती दोनों की है, गलती सरकार के स्तर पे भी है, गलती विपक्ष के स्तर पे है, कुल मिलाकर नुकसान ओबीसी का हुआ है। बिल्कुल, ओबीसी का नुकसान तो है जी। जी, बीजेपी कांग्रेस हमने देखा था कि दोनों ही ओबीसी आरक्षण को लेकर पक्षधर रही है, और जिस तरह से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी अभी बाइट देते हुए कहते हुए नजर आए थे कि बीजेपी जो है वो पूरी तरह से जो तथ्य है वो सामने नहीं रख पाई, भ्रम के चलते ऐसा हुआ, ओबीसी को धोखा दिया गया, दूसरी तरफ आयोग के बगैर सुनवाई के तथ्य रखे गए, तो ये क्या ये सारी चीजें भी रही हैं क्या, जो तथ्य थे वो सही तरीके से नहीं रखे गए? पीसी शर्मा को किसने मना किया था कि एक बड़ा वकील कर लेते और वो पार्टी में इंटरवेंट कर लेते, थर्ड पार्टी बन जाते वहां पर? अगर पीसी शर्मा ये बात कह रहे हैं तो पीसी शर्मा को किसने मना किया था, वो थर्ड पार्टी बन जाती और कोर्ट में एप्लीकेशन से कोर्ट सुनती। अगर एक्सपर्ट के रूप में पीसी शर्मा या कोई भी व्यक्ति अगर एक्सपर्ट के रूप में कोर्ट के सामने हाजिर होता है कि आंकड़े गलत है, हमारे पास ये तथ्य है, सुप्रीम कोर्ट सुनता है, भारत की संवैधानिक व्यवस्था में यह प्रावधान है। इस तरह की बातें करना, कैमरों के सामने बाइट देना अलग विषय है श्वेता, और जिस तरह का गलतियां, तकनीकी गलतियां जो हुई हैं उसको दोनों पार्टी को मानना चाहिए, चाहे वो पीसी शर्मा हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे अरुण यादव हो, चाहे कमलेश्वर पटेल हो, चाहे अजमणी पटेल हो, या इस तरफ जितने
लोग हैं वो जितनी बातें कर रहे हैं दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तकनीकी गलती दोनों तरफ से हुई है। तकनीकी गलती दोनों तरफ से हुई है। अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए, मध्य प्रदेश ब्यूरो हेड है। अजय जी, जिस तरह से हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम समझें कि दो हफ्ते का ही समय है अधिसूचना जारी करने का, ट्रिपल टेस्ट पूरा करने के लिए और वक्त नहीं दिया जा सकता, इसमें इतना जो कम समय है उसमें किस तरह से चीजें शामिल रहेंगे? आप बने रहिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ